हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंजॉयिंग? यस, आई एम बैक विद योर ईवीएस लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर इज 11. द नेम ऑफ द चैप्टर इज टीथ, बीक्स एंड फीट. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट टीथ, बीक्स एंड फीट of different animals, okay, animals or birds. ठीक है, we will talk about teeth. All of you know what are teeth. Beaks, about beaks you know, and about feet. ठीक है, तो these are the body parts, teeth, beaks and feet. हम different animals के teeth, beaks और feet के बारे में discuss करेंगे and we will see कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कितने टाइप्स की बीक्स होती हैं एंड कितने टाइप्स के फीट होते हैं. एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, बीक्स एंड फीट होते हैं उनके क्या यूजेस होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वार्म अप. आर द माउथ, टीथ एंड फीट ऑफ ऑल एनिमल्स सिमिलर? सारे एनिमल्स के माउथ, टीथ और फीट सिमिलर होते हैं? नो, दे आर डिफरेंट, राइट? व्हाट काइंड ऑफ माउथ एंड फीट डू बर्ड्स हैव? बर्ड्स के माउथ और फीट कैसे होते हैं? राइट बी फॉर द माउथ ऑफ अ बर्ड एंड ए फॉर द माउथ ऑफ एन एनिमल दैट इज नॉट अ बर्ड. सो हेयर थ्री पिक्चर्स आर गिवन, जिसमें आपको बी लिखना है फॉर बर्ड, फॉर माउथ ऑफ बर्ड, एंड आपको ए लिखना है फॉर माउथ ऑफ एनिमल. ठीक है, एनिमल दैट इज़ नॉट बर्ड. ठीक है, उस एनिमल के बारे में लिखना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क, दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज, विच इज़ बर्ड एंड विच इज़ एनिमल. ठीक है, बर्ड क्या है, एनिमल क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है. एंड इन बॉक्सेज में आपको ए बी लिखना है, बी फॉर अ माउथ ऑफ अ बर्ड एंड ए फॉर माउथ ऑफ अ एनिमल. ठीक है, तो दिस यू हैव टू डू इन योर बुक्स. डू इट, ओके, नो चीटिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. Teeth of animals. First we will talk about teeth of animals, of different animals. ठीक है, कि जो animals होते हैं उनके किन type के teeth होते हैं, कितने type के teeth होते हैं, किस तरीके के teeth होते हैं, and वो हम कैसे use कर, वो कैसे use करते हैं. मतलब हर animal के different type of teeth होते हैं, तो क्यों होते हैं different type of teeth, कुछ अलग उनका function होता है, that we will see here. Similar to human beings, many other animals also have teeth to help them eat their food. तो human beings की तरह, हमारी तरह animals के पास भी teeth होते हैं, right? जो उनको eat करने में help करते हैं, उनके food को eat करने में help करते हैं. कौन? Teeth. The mouth and teeth of these animals are suited to the type of food they eat. जो माउथ और टीथ होते हैं एनिमल्स के, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, और जो माउथ और टीथ होते हैं वो उनके टाइप के फूड के अकॉर्डिंग होते हैं, किस टाइप का फूड वो ईट करते हैं. सपोज़ हॉर्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईट करता है, तो उसके डिफरेंट टीथ एंड माउथ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ. काऊ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईट करती है, तो काऊ का अपने डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ एंड टीथ होता है, उससे सूटेबल होता है. What type of food she is eating? Cow किस type का food eat करती है, उसके according उसके teeth हैं, उसका mouth है. Similar way, horse किस type का food eat करता है, उसके according उसका mouth और teeth हैं. ठीक है, तो वो किस तरी, कौन सा animal किस तरीके का food eat करता है, उसके according उनके mouth होते हैं, teeth होते हैं. Here you can see picture. This is the type of mouth and teeth horse having. This is the type of, this is the mouth and teeth of cow. ठीक है, तो
तो हॉर्स का माउथ और टीथ ऐसे होता है एंड काउ का माउथ और टीथ ऐसा होता है, राइट? नाउ ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज डियर, गोट्स, काउज एंड हॉर्सेस हैव वेल डेवलप्ड टीथ कॉल्ड इंसिजर्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ दियर माउथ. सो वो एनिमल्स जो ग्रास ईट करते हैं, कौन से एनिमल्स ग्रास ईट करते हैं? डियर, गोट्स, काउज, हॉर्सेस, ठीक है? ये सारे एनिमल्स क्या ईट करते हैं? ग्रास ईट करते हैं. तो उनके पास टीथ कैसे होते हैं? इंसिजर्स, ठीक है? कैसे टीथ होते हैं? इंसिजर्स, ओके? इंसिजर्स क्या हेल्प करते हैं? फूड को टियर करने में, मींस फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं. तो ग्रास को ईट करने के लिए तोड़ना पड़ता है, इसलिए उनके पास इंसिजर्स होते हैं उनके माउथ के फ्रंट में. जो फ्रंट पार्ट होता है ना माउथ का, दिस पार्ट, इस पार्ट में उनके इंसिजर्स होते हैं. हमारी तरह हमारे भी इंसिजर्स होते हैं फ्रंट पार्ट में टू टीयर समथिंग, ठीक है? अगर हम एप्पल को बाइट कर पाते हैं, टीयर कर पाते हैं, तो वो किस वजह से कर पाते हैं? बिकॉज हमारे जो टीथ हैं वो इंसिजर्स हैं. दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट ऑफ ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स. तो ये टीथ उनकी हेल्प करते हैं ग्रास को और लीव्स को बाइट करने में. प्लांट से कैसे तोड़ना है, बाइट करना है, उसके लिए ये टीथ हेल्प करते हैं. कौन से? इंसिजर्स. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ सूटेबल फॉर ग्राइंडिंग एट द बैक ऑफ दियर माउथ. तो माउथ के बैक साइड मीन्स जब हम फ्रंट से अपने नेक की तरफ जाते हैं, एनिमल्स के फ्रंट से नेक की तरफ जाते हैं, तो बैक दियर माउथ, एट द बैक ऑफ दियर माउथ, तो माउथ के पीछे वाले पार्ट में उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ होते हैं. ब्रॉड मीन्स चौड़े, ठीक है? थोड़े ब्रॉड टीथ होते हैं, ओके? जो ग्राइंडिंग के लिए मीन्स फूड को अच्छे से मिक्स करने के लिए, च्यू करने के लिए, चबाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, ठीक है? तो फ्रंट में उनके इंसिजर्स होते हैं एंड एट द बैक, पीछे की साइड, उनके स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ होते हैं जिन्हें हम मोलर्स बोलते हैं, ठीक है? जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स फूड को अच्छे से च्यू करने के लिए, मिक्स करने के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोलर्स, ठीक है? हाउएवर दे डू नॉट हैव टीथ फिट फॉर टीयरिंग एज दे डू नॉट नीड दैम. उनके टीथ टीयरिंग के लिए, मतलब कोई भी चीज़ फाड़ने के लिए नहीं होते. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास टीयरिंग टीथ नहीं होते, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है. देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दियर फ्रंट एंड फ्रंट टीथ एंड बैक टीथ. तो उनके फ्रंट टीथ और बैक टीथ के बीच में एक स्पेस रहता है, बिकॉज उनके पास टीयरिंग टीथ नहीं होते, इसलिए वो स्पेस खाली रहता है, ठीक है? हमारे माउथ में स्पेस क्यों नहीं खाली रहता? बिकॉज हमारे पास टीयरिंग टीथ भी होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया एनिमल्स के इंसिजर्स, जहाँ पे एनिमल्स के इंसिजर्स होते हैं वहाँ पे हमारे भी इंसिजर्स होते हैं. बैक साइड पे हमारे भी मोलर्स होते हैं जैसे इन एनिमल्स के होते हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, मैंने आपको बताया मोलर्स और इंसिजर्स के बीच में एक स्पेस होती है उनके माउथ में, ठीक है? हमारे माउथ में वो स्पेस नहीं होती, बिकॉज हमारे माउथ में उस स्पेस में टीयरिंग टीथ होते हैं, ठीक है? जो टीयर कर पाए, किसी चीज़ को फाड़ पाए, राइट? कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई पैकेट खोलना है, आपके हैंड से खुल नहीं रहा, तो आप उसको अपने माउथ से टीयर करते हो, दैट इज़ टीयरिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स, ठीक है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, दे आर कार्निवोर्स, ठीक है? जो फ्लैश ईट करते हैं, मतलब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, कार्निवोर्स, लाइक लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग, दे ईट अदर एनिमल्स, राइट? हैव वेल डेवलप्ड कैनाइंस. अब इनके पास कैनाइंस होते हैं, टीयरिंग टीथ. टीयरिंग टीथ को हम क्या बोलते हैं? कैनाइंस. तो इनके पास कैनाइंस होते हैं टू टीयर द फ्लैश. फ्लैश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, उन्हें जब फ्लैश ईट करना होता है तो ऑब्वियसली उसे कट करना पड़ेगा,
एंड जो फ्लैश होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसे टीयर करने के लिए बहुत स्ट्रांग टीथ की ज़रूरत है, एंड दे आर कैनाइंस। ठीक है, तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनके पास कैनाइंस होते हैं, राइट, टू टीयर द फ्लैश। दे ऑल्सो हैव स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लैश, उनके पास स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं, मीन्स उनके पास मोलर्स भी होते हैं, सो दैट वो फ्लैश को अच्छे से चबा पाएँ, च्यू कर पाएँ, राइट, चबा पाएँ। सो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर डॉग, दीज आर द टीथ ऑफ डॉग, दीज आर द टीथ ऑफ कैट, राइट। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसिजर्स, मोलर्स, राइट। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स के पास कौन से टीथ होते हैं, कैनाइंस एंड मोलर्स एज वेल। ठीक है, ग्राइंडिंग टीथ मीन्स मोलर्स, राइट। सो दीज आर द टीथ दे हैव, वाई, बिकॉज इंसिजर्स उनको ग्रास को बाइट करने में हेल्प करते हैं एंड मोलर्स उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं, राइट। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए कैनाइंस क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको टीयर करने में हेल्प करते हैं, एंड मोलर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको च्यू करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो होप यू शुड नो दीज 4 to 5 पॉइंट्स विच आई एक्सप्लेन्ड यू अगेन। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट में अभी आपको 4 to 5 पॉइंट्स बताए, ये आपको पता होने चाहिए फॉर योर टेस्ट एंड फॉर योर एग्जाम्स। नाउ ऑफ द हुक वी विल सी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, द टू वेरी लॉन्ग पॉइंटेड टीथ ऑन एन एनिमल सच एज एन एलिफेंट आर कॉल्ड टस्क्स। एज वी ऑल नो कि एलिफेंट के ऐसे 2 टीथ होते हैं बाहर की तरफ एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टस्क्स, राइट। एन एनिमल यूजेज इट्स टस्क टू अटैक इट्स एनिमीज, तो वो टस्क क्यों यूज़ करते हैं, एलिफेंट के पास टस्क क्यों होते हैं, बिकॉज ताकि वो अपने एनिमल्स एनिमीज पे अटैक कर पाएँ, जो उनके एनिमीज होते हैं उन पे इजीली अटैक कर पाएँ, इसीलिए उनके पास टस्क होते हैं। द लॉन्ग टस्क ऑफ एन एलिफेंट एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, राइट। सो दिस यू नो, दिस यू शुड नो कि लॉन्ग पॉइंटेड टीथ जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टस्क, राइट। एंड वो क्यों यूज़ करते हैं टस्क को, टू अटैक इट्स एनिमीज, राइट। Now, beaks of birds. So, teeth are completed. We have discussed about teeth. ठीक है, हमने teeth के बारे में complete कर लिया. Here, in this chapter, we are talking about teeth, beaks and feet. So, teeth part we have completed. Now, we will start the beaks part. ठीक है, now we will study different types of beaks birds having. Right, teeth हमने देख लिया, animals के पास teeth होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ होता है एंड बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स होती हैं, दैट वी विल सी नाउ, एंड आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट फीट। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स बर्ड्स ऑल्सो ईट फूड, तो एनिमल्स की तरह बर्ड्स भी फूड को ईट करती हैं, राइट, क्योंकि उन्हें भी फूड चाहिए लिव करने के लिए, प्रॉपरली रहने के लिए, जीने के लिए उन्हें भी फूड की ज़रूरत है। However, they do not have teeth to bite, cut or chew their food. But birds के पास teeth नहीं होते bite करने के लिए, cut करने के लिए और chew करने के लिए, right? उनके पास teeth होते ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को cut करें, उन्हें bite करें या tear करें या chew करें, कुछ भी चीज़ के लिए उनके पास teeth नहीं होते। They have a hard, curved or pointed part on their mouth that is called a beak. उनके माउथ पर एक हार्ड कर्व्ड पॉइंटेड पार्ट होता है। सपोज दिस इज़ अ माउथ ऑफ अ बर्ड, इस तरीके का उनका आगे बीक होता है, आपको पता है, एंड वो बहुत ज़्यादा हार्ड और कर्व्ड होता है, इस टाइप का होता है बीक, राइट, एंड पॉइंटेड होता है। एज यू कैन सी इधर से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, तो बहुत पॉइंटेड होता है। The beaks are specially designed to help them gather or catch their food. तो beaks क्या help करती है उनकी,
फूड को इकट्ठा करने के लिए एंड फूड को कैच करने के लिए उनको बीक्स हेल्प करती हैं, राइट? उन सबको गैदर करने के लिए, उन सबको इकट्ठा करने के लिए एंड फूड को कैच करने के लिए बीक्स उनकी हेल्प करती हैं, मीन्स फूड को इकट्ठा करने के लिए या फिर फूड को कैच करने के लिए बीक्स हेल्प करती हैं, राइट? द शेप एंड साइज ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. अब जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि उनके जो टीथ होते हैं वो उनके फूड पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके का फूड ईट करते हैं. लाइक जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे उनके टीथ जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे, एंड जो कार्निवोर्स एनिमल्स थे, मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स थे, उनके टीथ जो थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे, राइट? सेम एज हेयर कि जो बर्ड्स हैं वो किस टाइप का फूड ईट करती हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनकी बीक का शेप एंड साइज क्या होगा. मतलब दैट वी विल सी हेयर कि किसी की बीक्स बड़ी होती हैं, किसी की बीक्स छोटी सी होती हैं, किसी की बीक्स चौड़ी होती हैं, किसी की बीक्स बहुत पतली होती हैं, किसी की पॉइंटेड होती हैं, राइट? तो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट. नाउ शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स कि जो छोटी बीक्स होती हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. एज यू कैन सी हियर कि पीजन, ठीक है, ये कौन है? पीजन, दिस इज हैन एंड दिस इज स्पैरो, राइट? तो इनकी बीक्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं बट हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं. आपको भी दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा छोटी हैं बट हार्ड होती हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? बर्ड्स सच एज स्पैरोज, पिजन्स, डव्स एंड हैंस मोस्टली ईट सीड्स एंड ग्रेन्स. तो वो क्या ईट करते हैं? सीड्स एंड ग्रेन्स. जिनकी बीक छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, शॉर्ट होती हैं एंड हार्ड होती हैं, जिनकी बीक्स शॉर्ट होती हैं एंड हार्ड होती हैं, वो क्या ईट करते हैं? सीड्स एंड ग्रेन्स. सो दे हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स टू ब्रेक दियर फूड बिफोर ईटिंग, ठीक है? सीड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. सीड्स को नॉर्मली हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट इनकी बीक्स इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं कि ये सीड्स को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं एंड ईट कर सकते हैं, ठीक है? तो उनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है. शॉर्ट छोटी होगी तो छोटे छोटे जो दाने होंगे, सीड्स होंगे, उनको इजीली कैप अपने बीक पर रख कर उसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर लॉन्ग बीक होगी, अगर इस तरीके की बीक होगी तो यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स टूटेंगे कैसे? टूट ही नहीं पाएंगे. छोटी सी बीक होगी तो यहाँ पर छोटे छोटे सीड्स ईजिली ब्रेक हो सकते हैं. इसीलिए जो बर्ड्स सीड्स एंड ग्रेन्स को ईट करते हैं उनकी जो बीक्स होती हैं वो शॉर्ट एंड हार्ड होती हैं, सो दैट दे कैन ब्रेक सीड्स और ग्रेन्स ईजीली, ठीक है? नेक्स्ट, हुक्ड बीक्स. नाउ वी विल सी हुक्ड बीक्स. हुक्ड बीक्स मीन्स इस तरीके की जो बीक्स होती हैं, हुक की तरह, हुक की तरह जो बीक्स होती हैं इस तरीके से, लाइक पैरट. पैरट की आपको बीक दिख रही होगी ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके की होती है, राइट? काइट, दिस इज काइट. काइट की बीक इस तरीके की हुक्ड है, हुक की तरह है, ठीक है? वल्चर, वल्चर की बीक भी ऐसी होती है. ईगल, ईगल की बीक भी ऐसी होती है जिसकी बीक नीचे से जाके एकदम कर्व्ड हो रही हो. आउल, आउल की बीक भी ऐसी होती है, राइट? तो इन्हें बोलते हैं हम हुक्ड बीक. क्या बोलते हैं? हुक्ड बीक. बर्ड्स सच एज पैरट्स that need to crack open nuts and seeds from fruits, they have a pointed and hooked beak. ठीक है, birds like parrots, तो वो क्या eat करते हैं? Parrot क्या eat करते हैं? Nuts and seeds. Nuts and seeds को वो crack करके food, fruits में से, fruits के जो seeds होते हैं, सबने fruit eat कर लिया, fruit eat करने के बाद जो उसके seeds बचते हैं, ठीक है, उन सीड्स को क्रैक करके, अब उसको क्रैक करने के लिए उनके पास कुछ पॉइंटेड चीज़ होनी चाहिए, तो वो पॉइंटेड चीज़ होती है उनकी बीक. इस तरीके से जो उनकी हुक्ड बीक होती है वो क्यों होती है? सीड्स को क्रैक करने के लिए, सीड्स को तोड़ने के लिए,
क्रैक मतलब तोड़ने के लिए, तोड़कर ओपन करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं उनको तोड़कर ओपन करके एंड देन ईट करते हैं, राइट। तो ये सब करने के लिए उनके पास पॉइंटेड एंड हुक्ड बीक होना ज़रूरी है, सो दैट दे कैन क्रैक इट ईजीली। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल्स, काइट्स, आउल्स एंड वल्चर्स, दीज आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। दीज आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स एंड पैरट ईट्स नट्स एंड सीड्स, राइट। सो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है उनके पास भी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड हुक्ड बीक्स होती हैं टू पियर्स एंड टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दे ईट। तो जिस भी एनिमल का वो फ्लैश ईट करती हैं, जिस भी एनिमल को वो ईट करती हैं उसका फ्लैश कट करने के लिए उनको कोई पॉइंटेड चीज़ होनी चाहिए उनके पास, तो वो होती है उनकी पॉइंटेड हुक्ड बीक्स। वो जिस भी एनिमल को ईट करते हैं उस एनिमल का फ्लैश कट करने के लिए अपनी बीक को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो उनकी बीक होती है पॉइंटेड एंड हुक्ड, एज़ यू कैन सी हेयर उनकी पॉइंटेड एंड हुक्ड बीक है, वो क्यों यूज़ होती है, फ्लैश को कट करने के लिए, ठीक है। जो भी फ्लैश वो ईट करते हैं उसको कट करने के लिए, राइट। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, बर्ड्स सच एज डक्स एंड स्वान्स डिग अप द मड अंडर वाटर इन सर्च ऑफ दियर फूड। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक मीन्स जो फीड, जो बीक है वो चौड़ी हो बट फ्लैट हो, ठीक है। जिस जैसे कि डक की होती है, डक की आपने बीक देखी है कि आगे की तरफ होती है ऐसी, बट फ्लैट होती है, राइट, फ्लैट होती है, उसमें कोई कर्व नहीं होता। तो डक्स और स्वान्स जो होती हैं उनकी जो बीक होती है वो ब्रॉड एंड फ्लैट होती है। ऐसा क्यों होता है, ताकि वाटर के अंदर जो मिट्टी होती है, वाटर की नीचे वाली लेयर पे मिट्टी होती है, राइट, उस मड को वो इजीली हटा पाएँ, उस मिट्टी को वो इजीली हटा पाएँ एंड अपने फूड को इजीली फाइंड आउट कर पाएँ, सर्च कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ दियर बीक्स। दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स विच हैव स्ट्रेनर्स ऑल अलोंग द एज, ठीक है। तो जो बीक होती है उनके पूरी बीक पे सारे क्या होते हैं, स्ट्रेनर्स लगे होते हैं। उनकी बीक पे क्या लगा रहता है, उनकी जो बीक है वो फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, राइट। तो उनकी पूरी बीक पर क्या लगा रहता है, एजेस पर मींस कॉर्नर्स पर, बीक के कॉर्नर्स पर क्या लगा रहता है, स्ट्रेनर, ठीक है, स्ट्रेनर लगा रहता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मींस छन्नी, छन्नी होती है, राइट। हमारे घर में जो चाय की छन्नी होती है हम उसे बोलते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या करता है, वाटर को या कोई भी लिक्विड चीज़ को सॉलिड पार्ट से अलग कर देता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर क्या होता है, इनकी बीक के कॉर्नर्स पे पूरे स्ट्रेनर लगा रहता है, सो दैट वो वाटर को, जैसे अगर कोई भी उनका फूड वो उठाते हैं, कोई भी कुछ भी उनको ईट करना है, उनका फूड उनको मिल गया, जैसे वो फूड को उठाते हैं तो वो स्ट्रेनर क्या करता है, उसका पूरा वाटर नीचे गिरा देता है, उनका फूड उनके माउथ में आ जाता है, ठीक है। व्हेन दे स्क्वीज द बीक्स वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दीज स्ट्रेनर्स एंड द फूड रिमेन्स इनसाइड द माउथ। एज आई एक्सप्लेन्ड कि जैसे ही वो फूड को अपने माउथ में लेते हैं और स्क्वीज करते हैं मीन्स दबाते हैं जैसे अपने फूड को, तो उनके माउथ से वाटर एंड मड पूरा, उनकी बीक से वाटर एंड मड पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि उनकी बीक पे क्या होता है, स्ट्रेनर होता है, छन्नी लगी होती है, तो उस छन्नी में से क्या होता है, पूरा वाटर एंड मड बाहर निकल जाता है एंड बीक्स और सॉरी जो फूड होता है वो उनके माउथ में रह जाता है, ठीक है। जो फूड होता है वो कहाँ रह जाता है, उनके माउथ में रह जाता है एंड वो अपना जो मड एंड वाटर होता है वो पूरा छन के बाहर आ जाता है, राइट। तो एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर द माउथ ऑफ डक, बीक ऑफ डक।
Here, long beaks. Now we will talk about long beaks. Long beaks का काम क्या होता है? What is the work of long beaks? Woodpeckers peck off bark from trees and make deep holes to look for insects. Woodpecker क्या करता है? Woodpecker को देखा है कभी आपने? Woodpecker की जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है, ऐसे लंबी लंबी होती है एंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ताकि वो ट्रीज़ में, जो ट्रीज़ होते हैं उसमें गड्ढा कर करके उसके उसमें से इंसेक्ट्स लेके ईट कर सके. ठीक है, होल्स कर देती है, डीप होल्स मीन्स ट्री में, वुड में बहुत ज़्यादा होल कर देती है. क्या वुड पैकर अपनी बीक की हेल्प से ट्रीज़ में, ट्रीज़ का जो ट्रंक होता है उसमें डीप होल कर देते हैं, बहुत लंबा गड्ढा कर देते हैं जिसमें से कभी इंसेक्ट बैठता है अगर उसमें जाके तो इंसेक्ट्स उनको मिल जाते हैं ईट करने के लिए. ठीक है, तो इंसेक्ट्स इज दियर फूड. सो दे हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू टैप द वुड ऑफ ट्रीज. तो उनके पास लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बीक होती है सो दैट वो ट्रीज में ईजिली गड्ढा होल कर पाए. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एक वुड में होल करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, हम वुड में होल करने के लिए ड्रिलर मशीन यूज़ करते हैं. सो वुड पैकर की जो बीक होती है आप सोचो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. ठीक है, द हूपो ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग थिन बीक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड. एक हूपो भी करके बर्ड है, देयर इज़ अ बर्ड नेम हूपो. वो क्या करती है? वो ग्राउंड में, ज़मीन में गड्ढा करती है एंड उसमें से इंसेक्ट्स लेके ईट करती है थ्रू दियर बीक. उसकी बीक भी काफ़ी लॉन्ग एंड थिन होती है. ठीक है, तो वुड पैकर क्या करता है? वुड में गड्ढा करता है, वुड में होल करता है मीन्स ट्रीज में, एंड जो हूपो होता है वो ग्राउंड में होल करता है. राइट, फिश ईटिंग बर्ड्स सच एज स्टॉक्स, हेरॉन्स एंड किंगफिशर्स ऑल्सो हैव लॉन्ग बीक्स विच हेल्प देम टू कैच फिश ईजीली. देखो आप, जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती है मीन्स जो बर्ड सिर्फ और सिर्फ फिश को ईट करती हैं और कुछ भी नहीं, फिश चाहिए उनको. ठीक है, तो उनका नेम क्या है? स्टॉक्स, हेरॉन्स एंड किंगफिशर्स. एज यू कैन सी हेयर, किंगफिशर्स स्टॉक. राइट, इनकी जो बीक होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इनकी बीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है. राइट, विच हेल्प देम टू कैच फिश ईजीली. लॉन्ग बीक में क्या करते हैं? ये ईजीली फिश को कैच कर लेते हैं मीन्स अगर फिश इनको मिल जाती है तो उसको पकड़ के अपनी बीक में दबा लेते हैं. ठीक है, तो लॉन्ग बीक क्यों होती है इनकी? ताकि वो ईजीली फिश को कैच कर पाए. ठीक है, तो लॉन्ग बीक के अलग अपने यूजेज हैं. फर्स्ट यूज़ जिससे हमने क्या देखा? वुड पैकर का, कि वो वुड में होल कर सकता है. सेकेंड हमने देखा हूपो का, कि वो ग्राउंड में होल कर सकता है. थर्ड हमने देखा किंगफिशर स्टॉक और हेरॉन्स. ठीक है, वो क्या कर सकती हैं? वो फिश को ईजीली कैच कर सकती हैं. ठीक है, तो हेयर वी हैव इन दिस लेक्चर, इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. राइट, कि वो किस तरीके का फूड ईट करते हैं उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के टीथ उनके पास हैं. इन अ सिमिलर वे बर्ड्स किस तरीके का फूड ईट करती हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनकी बीक किस तरीके की होगी. ठीक है, कि बीक शॉर्ट एंड हार्ड होगी, कि बीक शॉर्ट एंड हार्ड होगी, कि लॉन्ग एंड शार्प्ड होगी, कि हुक्ड शेप की होगी, या फिर ब्रॉड एंड फ्लैट होगी, या फिर लॉन्ग बीक्स होंगी. ठीक है, इस तरीके की बीक्स उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फूड ईट करते हैं. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फीट ऑफ बर्ड्स. वी विल टॉक अबाउट फीट ऑफ बर्ड्स मीन्स पैर. बर्ड्स के पैर कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट होते हैं वो क्यों होते हैं, व्हाट आर देयर यूजेस.
जैसा कि अभी हमने देखा कि बीक्स जिस तरीके का वो फूड ईट करते हैं उस तरीके के एनिमल्स के टीथ एंड बर्ड्स की बीक्स होती हैं, ठीक है। तो इन अ सिमिलर वे बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वो कहाँ पर रहते हैं उस तरीके के उनके फीट होते हैं, ठीक है। दैट वी विल सी इन द इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। उनकी जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के अकॉर्डिंगली उनके फीट होते हैं, उनके फीट उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग या उनके वर्क के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई बर्ड ऐसी है जो लॉन्ग टाइम फ्लाई करती रहती है तो उसके फीट बहुत ही पतले होते हैं, थिन होते हैं, राइट। एंड जो फीट जो बर्ड्स होती हैं वो कम फ्लाई करती हैं, उनकी भी उनके फीट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो सिर्फ वॉक करती हैं तो उनके फीट उस टाइप के होते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो स्नो में रहती हैं लाइक पेंगुइन्स, ठीक है, वो स्नो में रहते हैं तो उस टाइप के फीट होते हैं उनके। एनिमल्स की मैं बात करूँ तो कैमल्स डेजर्ट में रहता है तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग उसके फीट होते हैं, राइट। तो दैट दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट फीट ऑफ बर्ड्स, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट एवरीवन। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द क्लास और यू कैन रिवाइंड द वीडियो अगेन, ठीक है। आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर सकते हो देखने के लिए, समझने के लिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो। ओके एवरीवन, सो बाय बाय, टेक केयर।